नमस्कार, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। और आज हम आपके लेके आए हैं चार्जिंग टेस्ट, जो कि है सैमसंग और मोटो के बीच में। यह है सैमसंग का A5 2017 और यह है मोटो G5 प्लस। दोनों में ही आपको मिलता है 3000 mAh का बैटरी। सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 में आपको मिलता है अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और मोटो G5 प्लस में आपको मिलता है टर्बो फास्ट चार्जिंग। तो देखना यह है कि दोनों में से कौन सा फ़ोन जल्दी फास्ट चार्ज करता है। अगर हम बात करें इनके चार्जर्स की, तो आप देख सकते हैं सैमसंग के ट्रेवल एडेप्टर में आपको मिलता है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर और 9 वोल्ट और 1.67 एम्पीयर का आउटपुट। और अगर हम बात करें मोटो के टर्बो चार्जर की, तो यहाँ आपको मिलता है 5 वोल्ट 1.6 एम्पीयर, 9 वोल्ट 1.6 एम्पीयर और 12 वोल्ट 1.2 एम्पीयर। तो हम चार्ज करेंगे दोनों के ओरिजिनल चार्जर से और देखेंगे कि दोनों में 3000 एमएच का बैटरी है, लेकिन कौन सा फोन जल्दी चार्ज करता है, कि मोटो का टर्बो चार्जर फास्ट है या सैमसंग का अडेप्टिव फास्ट चार्ज। आपको बता दें A5 2017 में आपको मिलता है USB टाइप सी, जबकि मोटो G5 प्लस में आपको मिलता है USB 2.0। चलिए लगाते हैं इनके ओरिजिनल चार्जर से। आपको बता दें अभी दोनों ही फ़ोन हैं स्विच ऑफ मोड पे, मीन 0% बैटरी चार्ज। और अब हम देखेंगे इस स्टॉप वॉच के थ्रू कि कौन सा फ़ोन है जो कि 0 to 100% चार्ज करने में कम टाइम लेता है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे मोटो ने 100% चार्ज किया है 2 घंटे और 1 मिनट में, 2 hours and 1 minute में, जबकि सैमसंग ने कंप्लीट किया था 1 hour and 53 minutes में। तो यहाँ पे विनर होता है सैमसंग का अडेप्टिव फास्ट चार्जर, जिसने कि 8 मिनट पहले 0 to 100% चार्ज कर लिया फ़ोन को। तो दोनों में से विनर होता है सैमसंग अडेप्टिव फास्ट चार्जर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो। तो आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस बटन पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।